दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बताया कि तीसरी लहर की मुमकिन तैयारियों के पेश नज़र दिल्ली में 3 जगहों पर 2000 सिलेंडरों के डब्बों बनाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने चीन से दरामद शुदा सिलेंडरों का मुआयना करने के लिए मायापुरी ऑक्सीजन सिलेंडर डिपो का दौरा किया। इन्होंने बताया कि तीसरी लहर के मुमकिन तैयारियों के पेश नज़र दिल्ली में 3 जगहों पर 2000 सिलेंडरों के डिपो बनाए जा रहे हैं। अगर मामला में इजाफा होता है तो हम ऑक्सीजन बिस्तर 3000 तैयार कर सकते हैं। ये 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर चीन से दरामद किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि दारुल हुकूमत में ब्लैक फंगस की दवाइयों को भी ज़बरदस्त कमी है, हमें इसकी पैदावार में भी इजाफा करना है। दिल्ली को रोज़ाना 2000 इंजेक्शन की ज़रूरत है लेकिन दवाएं नहीं मिल रही है। वजीर आला ने बताया कि दिल्ली से कोरोना के मामले अब काफ़ी कम हो रहे हैं। ये मुल्क के लिए दूसरी लहर है लेकिन दिल्ली वालों के लिए ये चौथी लहर है। इस बार अप्रैल के आखिरी हफ्ते में केसों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद तकरीबन 28,000 थी जो अब कम होकर 1500 के करीब हो गई है। दिल्ली में इन्फेक्शन के शराह में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 36% तक पहुंच गई जो अब कम होकर 2.5% हो गई, लेकिन दिल्ली हुकूमत की कोशिशों में किसी तरह से कमी नहीं आई। दिल्ली हुकूमत ने मुमकिन अगली लहर की तैयारी पहले ही शुरू कर दी जिसे तीसरी लहर कहा जा रहा है।